कायदे तहरीक तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की क़यादत में उशाका ने कासिम जन्नत कौसर मकसद अज़ीम की जिद्दोजहद और अपनी मोहब्बत अपने रसूल से दिखाने के लिए ऑस्टिन पार्क की जानिब अपने कायद के हमरा ज़िक्रुल्लाह और दुरूद व सलाम के तराने अपने लबों पर सजाए दीवानावार चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि कानून तहफ़्फ़ुज़े अम्बिया के बन जाने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। एक दफा मुतालबा करके चुप हो जाओ तो ये जैसे बात हुई है और नहीं हुई। यहाँ के कानून के दायरे के अंदर रहकर हमने एक बात मानवानी है कि आज के बाद औरतों की तरफ से मर्दों की तरफ से घरों में शहर में होटलों में मस्जिदों में जहाँ भी जाओ किसी दफ्तर में किसी घर में तो एक ही उनवान सामने रखो कि जब तक कानून हिफाजत इज्जत अंबिया कानून नाफिज़ नहीं हो जाता हमारी ना ज़बानें चुप करेंगी ना दिल मुतमाइन होंगे ना अपनी कोशिश छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अपने एमपी अपने काउंसलर अपने ताजर और अपने तमाम फैक्ट्री वर्कर और बड़े बड़े मिलों के मालिक बड़े बड़े होटलों के मालिक और गरीब आवाम छोटे बड़े मर्द औरत इस इत्तेफाक कर लो कि हम इज्तिमाई तौर पर गवर्नमेंट पर दबाव देंगे कानूनी एतबार से कि अगर यहूद थोड़े होकर अपना वो कानून नाफिज करवा चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, ईसाइयों के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, नस्रानियों के खिलाफ कोई नहीं बोलता, आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं बोलता, तो नबी अल-अंबिया के खिलाफ कोई बोले तो मुसलमान क्यों चुप रहेगा।